एमपीपीएससी के और आरपीएससी के कोर्सेज के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया और उसमें महत्वपूर्ण चीज होती है हमारा स्टडी मटेरियल जो कि कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है कोर्सेज uh, के अलावा जो चीज आप जानते हैं कि जो स्टडी मटेरियल है उसके अलावा हम लोग एडिटेड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी दे रहे हैं पूरे के पूरे कंप्लीट कोर्स का आरपीएससी के लिए भी और एमपीपीएससी के लिए भी उसके अलावा जो आप लोग जानते हैं काफी कुछ आप लोग जानते भी हैं कि हम लोग इस सब के पीछे इस सब के साथ साथ चूंकि अपने पास समय भी काफी सारा है इस सबके साथ साथ हम एक और चीज देने का प्रयास कर रहे हैं वो है आपके लाइव क्लासेस अगर आप ऑफलाइन है लेना चाहें या ऑनलाइन लेना चाहें दोनों ही केसेस में हमारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स की लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है एक और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट जो ये है वो ये कि जनवरी से ऑनवर्ड जूलॉजी के लिए लाइव टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं इन सभी चीजों को इंक्वायर करने के लिए प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको भर लें उसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो कोर्स है हमारा चिड़िया और कोर्स उसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बड़ा जबरदस्त है क्या चीज होती है कैसे होता है उस सबके बारे में डिटेल जानकारी मैं इसी वेबिनार के अंदर देने वाला हूँ तो जरा कहानी कुछ यूं कह लें कि भैया ये है आपका मध्य प्रदेश पीएससी का सिलेबस पहले तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दू एम पी का सिलेबस एग्जैक्टली सी एस आर का सिलेबस है कंटेंट वंटेंट सब कुछ सी एस आर जैसा है सिर्फ और सिर्फ प्लांट वाली जो दो यूनिट्स हैं उनको हटा के उस जगह पे जुलू जोड़ दिया गया है डाइवर्सिटी के नाम पर कह दिया कि भैया जुलूजी की डाइवर्सिटी आप याद कर लेना थोड़ा सा आप एडिशनली कह सकते हो ओवरऑल uh, जैसे कि और थोड़ा सा कम भी किया जैसे पहले नंबर की यूनिट में इसमें से बॉन्ड्स वगैरह हटा दिया है जो केमिकल बॉन्ड्स है ना पहले तीन जो थे वो हटा दिया है बट स्टिल ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री इसके अंदर डाल दी गई है हमने जो मटेरियल बनाया वो जरा मैं बता दूं कि ये आपका हमारा पूरा के पूरा मटेरियल है जिसमें कि हम लोग प्रोटीन केमिस्ट्री को यहाँ से शुरू कर रहे हैं ये प्रोटीन सीक्वेंसिंग टेबल्स उसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर की पूरी की पूरी बात प्रोटीन के बारे में क्योंकि प्रोटीन बड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक डीएनए क्योंकि आपके इस यूनिट में डीएनए भी दिया हुआ है डीएनए ये पूरा डीएनए आर एन वाला पूरी कहानी इसमें इवन हमने टाइप ऑफ डीएनए भी ऐड कर दिया कि आप टाइप ऑफ डीएनए और टाइप ऑफ आर एक पूरी की पूरी टेबल हमने इसमें टाइप ऑफ आर की डाली है डीएनए की जो बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए ये आपका टाइप ऑफ आर

जो लगभग इस पूरे कोर्स में 192 पेजेस में हमने यूनिट नंबर वन पूरी 192 पेजेस की हिंदी में बनाया गया है क्योंकि तो हमें पता है कि ज्यादातर लोग हिंदी में दिया, हिंदी माध्यम के ही होते हैं आप लोग जो लोग पीएससी जिन्होंने स्पेशली एमपी पी सेट अपने दम पे क्वालिफाई किया है और अब पीएससी दे रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम बोलते हैं हम लोग इसको जिसमें कि ग्लाइकोलेसिस और ग्लूकोनोजिस रेगुलेट आ, म, आ, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये होता है तो स्टार्वेशन के टाइम पर रेगुलेट करते हैं मतलब भूख थोड़ा बहुत इस तरह के अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया है जैसे कि कुछ हास्यास्पद हिंदी ना बन जाए जैसे साइकिल को हमने लिखा है में ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में होता है ग्लूकोज एनर्जी का मुख्य स्रोत है इस तरह की हिंग्लिश को हमने बायोकेमिस्ट्री सेल बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में विशेष रूप से इस्तेमाल किया है पूरी तरह से हाथ से बनाया जाता है बहुत सारी मेहनत लगती है इसको आप थोड़ा सा तवज्जो देंगे मेरे ख्याल से ये आपका आईटीएस थोड़ा बहुत हमने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी किया है इसमें जैसे ये जो यूनिट होती है आपकी कि आपका जैसे इसको के, ये वाली ये पूरी है, इसको हमने ETS के नाम से डाल रखा है फिर तो आ जाते हैं आपके फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इसके बाद नीचे की तरफ आ जाइए आपका ये पूरा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म सिंथेसिस और बीटा ऑक्सीडेशन की पूरी स्टोरीज यहां पर आगे चले जाएं तो आपका अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म जिसमें ये सारी की सारी बातें हमने ऑर्थिन साइकिल यानी कि यूरिया साइकिल वगैरह ये सभी कुछ और ये सारी चीजें डाल रखी है फिर अगला आते हैं सेल बायोलॉजी की यूनिट जो सेल एंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी की यूनिट 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 है नंबर नंबर को देखा जाए तो इसमें सेल मेब्रेन के बारे में डिटेल आपसे पूछी उसके बाद इन्होंने कहा कि यार ऑर्गेनल्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स और ये आपका रिपीटेटिव डीएनए वगैरह इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन किया है ये जो यूनिट है इसको उठा के हमने जेनेटिक्स के साथ डाला है क्योंकि बड़ा अजीब अजीब हो रहा था ये माइटोसिस यहां पर इसके बाद जोड़ा गया है थोड़ा सा ऑर्डर हमने अपने हिसाब से मॉड्यूलेट किया है उसको आपको देखना पड़ेगा डीएनए एर और ये अपनी पूरी मोलबाय की यूनिट इसमें हमने क्या किया ये आपका सेल बायो एक बेसिक चीज हमेशा ध्यान रखनी है स्किनिंग वगैरह के प्रोसीजर्स आपको पता होने चाहिए उसके बाद आपकी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के एक्सपेमेंट मेम्ब्रेन के एक्सपेरिमेंट के बाद लिपिड ड्राफ्ट लिपिड ड्राफ्ट के बाद आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यहाँ पर आ जाइए आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन में फिजियोलॉजी इसकी उसके बाद अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्टर्स आइनोफोर्स मैं फिर बता दूं कंटेंट सीएसआईआर का ही है हमारा जो मटेरियल है वो कंटेंट सीएसआईआर का ही लेकिन लेवल सीएसआईआर का नहीं है लेवल रखा हमने पीएससी लेवल जो पब्लिक सर्विस कमीशन में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं हमने सब कुछ चीजें वहीं पर जोड़ने का प्रयास किया है आ, इसके बाद अलग अलग प्रकार के साइटोक्रोम फाइटोक्रोम ये पूरी की पूरी यूनिट आपकी जो कि इस पर आधारित है मुख्य रूप से इसके बाद आ जाइए आपको साइटोस्केलेटन की बेसिक बेसिक चीजें सारी की सारी साइटोस्केलेटन के बाद आप आ जाइए इधर जो कि आपके कोर्स में है आ, यहां पर हमने अग, अगला लिया है आपका कि किस प्रकार से साइटोस्केलेटन महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है ये आपका न्यूरोफिजियोलॉजी जो अगेन मेम्रेन बायोलॉजी का एक टॉपिक है न्यूरोफिजियोलॉजी के बाद सिनेप्स और आपका महत्वपूर्ण चीज जो कि न्यूरो में चला जाएगा ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुरू होती है यहाँ से मोल भाई में हमने ध्यान रखा है कि जितना आपका हो सके उसको हिंदी में अपने कन्वर्ट किया हमने अलग अलग तरह के एप्लीकेशन के एंजाइम्स डीनर एप्लीकेशन का प्रोसीजर उसके बाद आप आप आ जाएंगे आ, सारी की सारी जो डिटेल्स अगेन डायग्राम्स वगैरह वही सब कुछ जो आपके सिलेबस में है उसको हमने पूरा का पूरा आगे से लेके पीछे तक जोड़ने का प्रयास किया है ये आपका सारा का सारा सिलेबस जो कि उसी को टच कर रहा है ये सारी चीजें ये आपका आर एन

इसमें तीन टॉपिक्स होते हैं ये वाला हिस्से को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं हमारे हिसाब से ये आपका सेल सिग्नलिंग कम्युनिकेशन कैंसर और आपका और उसके बाद इम्यूनोलॉजी जरा इसको भी देख लेते हैं सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग को यह आपका डिजीज का सारा का सारा, सारा कंसेप्ट जिसमें होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के बारे में बात कर ली उसके बाद आपका जितनी भी रट्टाफिकेशन वाला मामला होता है इसमें मेनली सारे डिजीज डिजीजेस और वायरसेस आप याद कर लीजिए ये ये आपके वायरसेस की स्टोरीज होगी टेबल्स ही टेबल्स हैं इसमें याद करने की सेल सिग्नलिंग का ये हिंदी वर्जन पूरा का पूरा उसके बाद आपका पूरी सेल सिग्नलिंग के खत्म करते हुए नीचे की तरफ अगर चले जाए तो अलग-अलग प्रकार के सेल सिग्नलिंग के रिसेप्टर्स जो आपको याद करने हैं ढेर सारे ये आपका बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआर में भी काफी कुछ

चीजें समझने में आपको लगे है? हाँ यार कुछ अच्छा पढ़ रहे हो आप ठीक है नेक्रोसिस का डिटेल क्योंकि आपके कोर्स में तीन दो जगहों पर लिखा हुआ है प्रोग्राम प्लांट फिजियोलॉजी में और यहाँ पर उसके बाद आप आ जाइए इम्यूनोलॉजी बेसिक इम्यूनोलॉजी हमने ली है सिंपल सिंपल इम्यूनोलॉजी जो हो सकती है जो आपके सिलेबस के हिसाब से महत्वपूर्ण है जिन पर प्रश्न बने थे सेट के अंदर भी हमने काफी अच्छा प्रयास किया था चीजों को जोड़ने का यह आपकी इम्यूनोलॉजी पूरी तरह से हिंदी के अंदर है तो ये एंटीबॉडीज बड़ा अच्छा है ये भी लगभग 250 फिफ्टी पेजेस की पूरी की पूरी यूनिट है यूनिट नंबर आपकी तीन जो सेल सेल कम्युनिकेशन है इसको अगर आगे बढ़ते चले जाएं ये आपका का पूरा प्रोसेस उसके बाद आपके आ, वीडीजे रीअरेंजमेंट इंटरफेरेंस का टॉपिक एंड सो ऑन इसके बाद आप आ जाइए आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो कि यूनिट नंबर चार है थोड़ा सा मैं इसमें अच्छी बात बता दूं इसके अंदर वो सी कहीं भी इसमें सी स्टीलियम और अगर इवन ड्रोसोफिला में तो थोड़ा बहुत एक्सिस फॉर्मेशन तक ही है तो बहुत डिटेल नहीं है लेकिन थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा है इसमें फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन ये सब कुछ दिया है तो इसको भी हमने उसी तरीके से जोड़ा बेसिक से शुरू किया टिपिकल वाला Uh, कुछ इसमें भी रीअरेंजमेंट किए जैसे यूनिट नंबर वन को हमने बीच में डाला हुआ जो बड़े बड़े बड़े, बड़े टॉपिक्स होते हैं ना इंडक्शन क्या होता है और डिफ्रेंसियेशन uh, क्या होता है उस तरह के टॉपिक्स को हमने बीच में डाला है ये यहाँ तक तो आपका गेस्ट रिलेशन गेस्ट रिलेशन के ठीक बाद हमने यहाँ पर uh, ये यह आपका सभी लोगों का गेस्ट मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट कमिटमेंट इसमें हमने सेल्फ कॉम्पिटेंस क्या होता है इंस्ट्रक्टिव और परमेसिव इंडक्शन क्या होता है इस तरह की चीजें ली और फिर एम्ब्रोनिक इंडक्शन का एक चैप्टर हमने पूरा का पूरा डाल दिया है इसमें यहाँ पर ठीक है एम्ब्रोनिक इंडक्शन क्योंकि इसमें सवाल बहुत सारे आते हैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं इंडक्शन uh, के ठीक बाद यहां पर अपन ने रखा प्लेसेंटा और आपका प्लेसेंटेशन uh, जो कि आपके एक्सट्रेमिकन के बाद बाद में हमने रखा हुआ है प्लेसेंटेशन के बाद यहाँ पर टॉपिक है पूरा अगला ये आपका ड्रोसोफिला का पेर रूल जीन्स वगैरह क्या होता है क्योंकि इसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ड्रोसोफिला का आई डेवलपमेंट लेंस डेवलपमेंट उसके बाद आपका मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट उसके बाद के टाइप्स क्योंकि अच्छा खासा टॉपिक है आपके रीजनरेशन का पूरा एक टॉपिक डाला गया है इसके अंदर सब कुछ बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हाई फाइव कुछ नहीं रखा क्योंकि कंटेंट सी एस सी आर का लेकिन लेवल हमने रखा है पीएससी के लेवल पर और ये आपका खत्म हो जाता है इस जगह पर ठीक है उसके बाद आ जाइए यूनिट नंबर पांच जिसमें कि हमने कंपेरिटिव इनवर्टिब्रेट्स पर बात की है जिसमें कि जो आपके सिस्टम्स है अगर आप इस सिलेबस को वापस से ध्यान से देखें तो इसमें आपसे कहा गया है कि भैया आपको सिलोम के बारे में बात कर लो थोड़ा सा आप लोकोमोशन के बारे में बात कर लो ये आरपीएससी का सिलेबस है ये वाली जी ये दो यूनिट एक्जेक्टली आरपीएससी जैसी है तो उस कंटेंट में हमने कोई डिफरेंस नहीं रखा है फीडिंग किस प्रकार की है रेस्पायरेशन कैसा है नर्वस सिस्टम कैसा है लार्वा फॉर्म कैसी है ये हमने यहाँ पर रखा है कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो मटेरियल होता है ये मॉड्यूल्स है सिंपल अगर आप हमारा वीडियो कोर्स या कॉम्बो पे रहे हैं तो यही मटेरियल

रेस्पिरेशन uh, के ठीक बाद यहाँ पर हमने कहा है कि भैया नेफ्रीडिया की औतिकी किस प्रकार से होती है ये सब कुछ हमने हिंदी में बनाया इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है लेकिन उसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना होगा हम देखेंगे कितने लोगों को एक्चुअली चाहिए हिंदी का हमने इस पर पूरा बना दिया इंग्लिश का हमने कुछ दिन कुछ दिनों के लिए रोका हुआ है जस्ट टू फाइंड आउट कि कितने लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड है इंग्लिश वालों को बनाने के लिए इंग्लिश वाला बनाने में बहुत देर नहीं लगती है असल में ये इंग्लिश वाले का ट्रांसलेशन है तो इंग्लिश वाला जाहिर सी बात है पहले बनता है यहाँ पर चले आएंगे उसके बाद ये आपका एक्सक्रिटरी सिस्टम और लास्ट तक आते आते सभी प्रकार के जो आपके आ, आपके लार्वा होते हैं लार्वा फॉर्म्स उसका हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन पीछे की तरफ रखा है रिप्रोडक्शन के बाद ठीक है क्वेश्चन बैंक लगभग हमने हर एक के साथ जोड़ने का प्रयास किया जितने भी हमारे पास उपलब्ध है क्वेश्चन बैंक में हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है जिससे कि आपको चीजें आसान रहे उसके बाद अगली यूनिट बड़ी अजीब है उसमें नाम तो दे रखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स लेकिन मजे की बात है ये पूरी तरह से आपका एक यू नो ह्यूमन फिजियोलॉजी है फिजियोलॉजी कह लीजिए हमने क्या किया इसके दो टुकड़े किए फिजियोलॉजी को अलग रखा और जो आपका कंपेरेटिव वाला हिस्सा है उसको एक टेबुलेटेड फॉर्म में इस तरीके से पूरा का पूरा जो आपके कॉर्डेट्स का हो सकता है उसको हमने जोड़ने का प्रयास किया इसमें जैसे सपोज आपसे हम कहें कि भाई इसमें क्लासिफिकेशन को नीचे लेके जाए कि भाई आपको अलग अलग तरह के सिस्टम्स देखना है तो इसमें सभी चीजों को हमने कंसीडर करने का प्रयास किया कि बोन्स को भी हमने इंक्लूड करवा दिया आपके आ, र, 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 आपका जो ये आपका ब्रेन होता है नर्वस सिस्टम उसकी भी कंपेरेटिव हिस्ट्री हमने पूरी की पूरी जोड़ दी इस तरह से ऑर्डर में हर चीज को जोड़ने का प्रयास किया है सब कुछ ठीक है उसके बाद आ जाइए जेनेटिक्स जेनेटिक्स में बहुत कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल जेनेटिक्स इन्होंने इन्होंने डाली है जो मेजर टॉपिक्स इसमें से उड़ा दिए गए हैं सीएसआर के हिसाब से देखा जाए तो तो जेनेटिक्स में क्या क्या है जेनेटिक्स में हमने कहा है कि भाई देखो जेनेटिक्स में आ, हमने आपके लिए ट्वेल्थ लेवल से शुरू किया बिल्कुल ये सिंपल सिंपल शब्द क्या होता है यहाँ से शुरू किया क्योंकि हमें पता है कई लोग आप में से यू नो आउट ऑफ द टच हो कोशिश की जितने फॉर्मूले जितनी अच्छी चीजें ऐड कर है लेकिन फीमेल होगी ये ट्रेड कभी फादर से सन को ट्रांसफर नहीं होंगे अफेक्टेड मेल अफेक्टेड फीमेल में सभी बेटियां प्रभावित होंगी सभी बेटे नॉर्मल होंगे इस तरह के ट्रिक्स को भी हमने यू नो टाइप करके डालने का प्रयास किया है थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन के स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ा अवॉइड कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पाता ये आपका साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाटेंस के बाद ये आपका एलिमेंट्स, ये आपका आपका एलिमेंट्स क्रोमोसोमल एबरिशंस उसके बाद आ जाइए आपका बेसिक ट्रांसपोजोन्स और लास्ट तक आते, आते, आते सेक्स डिट्रमिनेशन इसके बाद जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका डीनर रिकॉम्बिनेशन जो कि मॉलबा का टॉपिक था उन्होंने यहाँ जोड़ा तो हमने भी इसको शिफ्ट करके यहाँ कर दिया है यूनिट नंबर सेवन के बाद आप आ जाइए यूनिट नंबर एट यूनिट नंबर एट में आपके डायवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड अप्लाइड जूलॉजी बड़ा प्यारा टॉपिक बनाया हमने इसको भी बेसिक लाइफ फॉर्म्स जो टेक्सोनोमी के जो आपने होते हैं सिलोम विलोम का क्या डिफरेंस होता है उसके बाद हमने इसको रखा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इकोनॉमिक जूलॉजी जो इसका दूसरा हिस्सा है इस इकोनॉमिक जूलॉजी में आ, ये आपका आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन को याद रखना मजे की बात है आपके सिलेबस में प्रत्यक्ष तौर पे क्लासिफिकेशन नहीं दिया है लेकिन एक जगह पे छुपा के दिया है इन्होंने ये छुपा हुआ क्लासिफिकेशन है इट इज अ अंसेप्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज इन द क्लासिफिकेशन ध्यान रखना इसका मतलब पूरा क्लासिफिकेशन होता है ये ठीक है इन्होंने कह दिया और वो क्वेश्चन देते वक्त आपके ऊपर दया नहीं करने वाले है इसलिए हमने लगभग 40 पेज का क्लासिफिकेशन इस जगह डाला है क्योंकि हमें पता है बिना क्लासिफिकेशन के मामला नहीं बैठेगा उसके बाद प्रॉन कल्चर से शुरू करते हैं इकोनॉमिक जुलॉजी प्रॉन कल्चर यूनिकली आप ही के कोर्स में और हमारे कहीं भी कोर्सेज में नहीं है राजस्थान पी वगैरह में प्रॉन कल्चर के बाद सबसे बढ़िया इसमें सभी प्रकार की जो मछलियां हैं या क्योंकि मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्ट में इसको लेना था तो सभी प्रकार की जो मछलियां हैं उसको हमने लिया है आपके बेतवा चंबल सिंध सभी नदियों के बारे में इसमें लिया गया कि कौन कौन से बेसिन से कौन कौन सी नदियां हैं कौन कौन सी मछलियां हैं मछलियों के प्रकार उन्होंने स्पेशली यू नो महत्व दिया है स्टेट फिश ऑफ मध्य प्रदेश महाशीर क्या है और क्या नहीं है इसकी कितनी कितनी वेराइटीज uh, होती है महाशीर uh, मछली की उसके बाद फिशेज इन एमपी का एक क्लासिफिकेशन देख दे, रखा है हमने कि कौन कौन सी फिशेज मेनली एमपी में स्पेशली इसमें हमने ये रखा है कि भाई जो नर्मदा में पाए जाने वाली बेतवा में पाए जाने वाली सभी मछलियों का क्लासिफिकेशन दे दिया है उसके अलावा यहाँ पर हमने एक आ, कुछ हिंदी नामों का इस्तेमाल किया कि लोकल नाम मछली का क्या है और इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका क्या है उस पर हमने ध्यान दिया जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसान रहा इकोनॉमिक जोलॉजी में अगली चीज रखी है अलग अलग एनिमल ग्रुप्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर रखा है कि अलग अलग एनिमल ग्रुप्स से उनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है उसके बाद की यूनिट है आपकी इकोलॉजी इकोलॉजी जनरल इकोलॉजी वैसे तो लेकिन पीछे की तरफ इन्होंने डिफाइन किया कि मध्य प्रदेश को आपको स्पेशल कॉन्टेक्स में लेना पड़ेगा तो हमने मध्य प्रदेश को भी स्पेशल यहाँ पे थोड़ा तोज्जो दी है उसके अलावा सभी जगहों पर इकोलॉजी एको, को ये प्लांट इकोलॉजी से उठाकर इसमें डालने का प्रयास किया है थोड़ा सा बढ़ाकर करने का प्रयास किया है या आपके अलग अलग तरह के की बट स्टिल आपको चीजें अच्छे लेवल पे तैयार करनी है या आपका योदास प्रिंसिपल या आपका uh, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन या अलग अलग तरह के आपके कैटिक क्रैश और डैम्प ऑक्सी uh, मैंने फिर कहूंगा कंटेंट आपको वही रखना है सीएसआर के लेकिन लेवल सीएसआईआर का नहीं रखना है शब्दों में ध्यान रखना है क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना है कि कोई बड़े भारी भरकम से क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे इकोलॉजी सक्सेशन में आपकी सक्सेशन है ठीक है वो हमने हमने भी ऐड कर दिया कि टॉलरेंस मॉडल होता है फैसिलिटेशन मॉडल होता है सब कुछ होता है लेकिन सिर्फ डेफिनेशन आएंगी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आने वाली है आपके कोर्सेज में आपके जो एग्जाम पेपर uh, आएगा वेटलैंड वगैरह के बारे में इसके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मध्य प्रदेश स्पेसिफिक जो भी जीके आपको वेटलैंड या आपकी डाइवर्सिटी वगैरह के बारे में उसको आप हमारे अलावा भी टच करने का प्रयास कीजिए हम जो दे रहे हैं उसके अलावा भी इधर की तरफ पॉल्यूशन इसके बाद लास्ट हमने इसको मध्य प्रदेश के सेंस में भी काफी कुछ ऐड करने का प्रयास किया है जैसे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से आपके नेशनल पार्क है बारह नेशनल पार्क कहते हैं कि बारह नेशनल पार्क हैं और बीस बीस से ज्यादा सेंचुरीज हैं तो ये कौन कौन सी आ, आपके बारह नेशनल पार्क कौन कौन से हैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पच्चीस के लगभग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कुछ मेन मेन जो आपके मध्य प्रदेश के हैं सेंचुरीज उनके डिस्क्रिप्शन कौन सी कौन सी जगह का क्या है और इसके अलावा लेकिन थोड़ा सा ऐड और कर लेना कौन से जानवर कहाँ मिलते हैं वो हमने इसमें ऐड नहीं कर रखा ये आपका इवोल्यूशन इवोल्यूशन के दो हिस्से बिहेवियर और इवोल्यूशनरी थ्योरीज इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देने का प्रयास करूंगा ये सब कुछ आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल कई जगहों पर टेबल को जरूर अंग्रेजी में हमने डाला है ये आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल उसके बाद ये आपका ह्यूमन इवोल्यूशन ह्यूमन इवोल्यूशन के बाद अलग अलग तरह के नाम क्रोमैग्नन वगैरह सब कुछ ये आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स बड़ा छोटा सा दिया हुआ है आपके सिलेबस में तो हमने इसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखा है यहां से और चले जाए आपका बिहेवियर ये आपका नेचुरल सिलेक्शन स्पीसीएशन उसके बाद एनिमल बिहेवियर ये बिहेवियर की स्टोरीज को यहां पर आप देखेंगे एक बार फीडिंग बिहेवियर और जितने भी तरह के बिहेवियर है स्लीपिंग और आपका सोशलिज्म उसके अलावा कुछ एक चीजें और आप करने का प्रयास कीजिएगा जहां से भी आपको कंटेंट मिले उसको पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम लोग हम ये नहीं कह रहे कि हमने हंड्रेड परसेंट दे दिया हम कह रहे हैं हम नाइन्टी परसेंट दे रहे हैं टेन परसेंट हमें हमें भी नहीं पता कि हमने क्या नहीं दिया बट स्टिल करने का प्रयास कीजिएगा पीछे की तरफ इसके अंदर भी वही क्वेश्चन बैंक है तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिए जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमसे बात कीजिए एक बार हमारे कोर्सेज के बारे में जानिए और उसके बाद इस स्टडी मटेरियल को सब्सक्राइब कीजिए